के खिलाफ है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाहता है और इस देश की सभ्यता का सत्यानाश करना चाहता है, उनका सत्यानाश करने के लिए आज हम सबको इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। कि चाहे रूस का इनकलाब हो, चाहे जर्मनी का इनकलाब हो, चाहे इंग्लैंड का इनकलाब हो, या हमारे देश में इमरजेंसी के जमाने का इनकलाब हो, जब जनता खड़ी होती है तो चाहे जितना बड़ा ताकतवर शासक हो, पाली के बगुलों की तरह वो बह के कहीं दूर निकल जाता है और जनता का राज स्थापित हो के रहता है। आपको याद होगा कि इस देश में जब राजनीतिक दल तकरीबन खत्म होके सिर्फ एक राजनीतिक दल सत्ता में बचा, कांग्रेस पार्टी का, और उसकी दमनकारी नीतियां जब लोगों के सामने आई और ये लगा कि भारत का लोकतंत्र, यहां का प्रजातंत्र और जमहूरियत अब एक हाथ में आके डिक्टेटरशिप में बदल गई है, तो उसको बदलने के लिए जब सारे राजनीतिक दल तकरीबन खामोश हो गए, जैसे आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में वो सारे दल जो खुद को किसी न किसी आइडियोलॉजी का अमीन मानते थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर वो जो रीजनल पार्टियां और जो परिवार वाली वाद वाली पार्टियां, वो सब की सब कहीं ना कहीं खामोश होके या तो बैठ रही हैं, डर रही हैं। ऐसे में एक ही दल दिखाई दे रहा है और पूरी सत्ता पे वो ऐसा छा गया है कि बाकी तमाम लोगों को उसने डरने पे मजबूर कर दिया है। तो जब एक प्रजातंत्र में, एक डेमोक्रेसी में सिचुएशन ये हो जाए कि एक दल सब पे भारी हो जाए, तब प्रजातंत्र का तकाजा ये होता है कि अवाम उठते हैं, लोग उठते हैं, जनता खड़ी होती है। और जब जनता खड़ी होती है तो हमने पूरे इतिहास में देखा है कि चाहे रूस का इनकलाब हो, चाहे जर्मनी का इनकलाब हो, चाहे इंग्लैंड का इनकलाब हो, या हमारे देश में इमरजेंसी के जमाने का इनकलाब हो, जब जनता खड़ी होती है तो चाहे जितना बड़ा ताकतवर शासक हो, पाली के बगुलों की तरह वो बह के कहीं दूर निकल जाता है और जनता का राज स्थापित हो के रहता है। इसलिए आपको खड़ा होना जरूरी है। ये दल छोटे हैं या बड़े हैं इससे मतलब नहीं है। हर दल के कुछ ना कुछ सदस्य हैं, उसके कुछ एक कार्यकारिणी है, तो वो लोगों को अगर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जो फासीवाद है, जो जनतंत्र फासीवाद में बदला जा रहा है, जिस जमहूरियत को रूढ़िवाद में बदला गया है, वो इस देश के लिए घातक है। आज मसला सिर्फ ये नहीं है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की तफरीक करके अकेले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मसला मुसलमानों का अकेले नहीं है, मसला यह है कि इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ तबकों को एक दूसरे से डराया जा रहा है। 80% हिंदुओं की आबादी को 15% मुसलमानों से डराया जा रहा है, यह कहकर डराया जा रहा है कि इनकी आबादी बढ़ रही है, 2050 तक इनकी तादाद मुसलमानों से ज्यादा हो जाएगी। ये झूठ है, और अगर इस झूठ के जरिए डराया जा रहा है, कहा जा रहा है शरीयत लॉ आ जाएगा, शरीयत लॉ को रोकना है, इसलिए हिंदू इकट्ठे हो जाओ, हिंदुओं का वजूद खतरे में है, दलितों को डराया जा रहा है, उनके रिजर्वेशन की पॉलिसी को बार बार खतरे में लाके उनको डराया जा रहा है, ओबीसी को डराया जा रहा है, क्रिश्चियंस को डराया जा रहा है, साथ में मुसलमानों को भी डराया जा रहा है। तो मुल्क के हर तबका अगर खौफ का शिकार है और उस खौफ के जरिए एक दूसरी फासीवादी पार्टी अगर सत्ता में है, तो फिर देश के तमाम हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, दलितों और आदिवासियों सबकी जिम्मेदारी है कि वो उनके खिलाफ खड़े हों जो दमन के जरिए सत्ता में सिर्फ रहना चाहते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को, जो नफरत की आइडियोलॉजी है, जो अलगाव की राजनीति है, जो तोड़ पैदा करने की राजनीति है, उन लोगों को हमें अपने सामने से हटाना हो। और ये हटाने के लिए इसलिए भी हम सक्षम हैं, 100 साल की तहरीक है, आज तकरीबन 1925 से लेकर आज तक 94 साल हो गए। 94 साल की तहरीक आरएसएस की होने के बावजूद आज भी अगर पॉपुलर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला तो सिर्फ 38% है, 62% पोल वोट का, और कितना कुल मिलाकर अगर तादाद देखें, हमारे पास तकरीबन 90-95 करोड़ वोटर हैं,
उसमें से 60% लोगों ने वोट डाला है, 60% लोगों ने, वो तादाद 50 करोड़ भी नहीं है। उस 50 करोड़ का 38% वोट मिला है, तकरीबन 21-22 करोड़ वोट है जो मैक्सिमम हिंदुओं का वोट है। अरे 100 करोड़ की इस हिंदू आबादी में जिसका ये दावा करते हैं बीजेपी के लोग कि हमारी 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, आपको हिंदुओं का समर्थन कितना है? अगर हम ये मान लें कि वो सारी आबादी हिंदुओं की है, जिसमें हमारे सिख भाइयों ने ये बार बार कहा है कि हम हिंदू नहीं है, बुद्ध भाइयों ने बार बार कहा है कि हम हिंदू नहीं है, दलित भाई बार बार कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, इतनी बड़ी आबादी अपने हिंदू होने का इनकार करती रहती है, इसके बावजूद आरएसएस कहता है कि 100 करोड़ हिंदू हैं। चलिए आरएसएस की बात को मानते हैं कि 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से आज इस आरएसएस और बीजेपी के पास समर्थन कितना है? 20-21 करोड़ वोट। तो बाकी के जो 100 करोड़ में से जो 80 करोड़ जो बाकी हिंदू का वोट है वो किसके पास है? वो आपके पास है, वो एक छोटे दलों के पास है, वो दूसरी पार्टियों के पास है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस देश के आम नागरिक के पास आज भी उसने फांसीवादी को अपना जीवन शैली में अपना राजनीतिक दृष्टिकोण आज तक नहीं बनाया। 100 साल की तहरीक के बावजूद, हिंदुत्व की तहरीक के बावजूद, आज भी इस मुल्क के 80% लोगों ने उस हिंदुत्व को एक राजनीतिक दर्शन की हैसियत से रिजेक्ट किया है, एक मैनिपुलेशन के जरिए वो सरकार में आके बैठी। तो एक बहुत बड़े संदेश है हम सबके लिए, एक पैगाम है कि भारत का जो मूल धरोहर है, हमारी जो विरासत है, वो विरासत बराबरी की विरासत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की मुश्तरका तहजीब की विरासत है, और इतने बड़े जुल्म के बावजूद, इतने बड़े अत्याचार के बावजूद, इतने बड़े फांसीवाद के बावजूद ये विरासत आज भी मरी नहीं है, वो विरासत वैसे के वैसे ही आज भी जिंदा है, और इस विरासत की बुनियाद पर हम खड़े हो सकते हैं इन लोगों को सत्ता से भगाने के लिए। अभी 5 साल बैठे हैं यहाँ के, 5 साल और रहेंगे, लेकिन इन 5 साल में जो कुछ हो जाने वाला है उसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। अब वो हर काम डेमोक्रेसी का नाम लेके, प्रजातंत्र का नाम लेके, अनडेमोक्रेटिक तरीके से और डिक्टेटरारा तरीके से वो करना चाहते और किया है। आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन जिस अंदाज से किया गया, वो कहा जा रहा है कि कानूनी तरीका है, डेमोक्रेटिक तरीका है, लेकिन वो कितना डेमोक्रेटिक तरीका है आप जानते हैं। 2 अगस्त को अचानक ऐलान किया जाता है अमरनाथ यात्रा, जो पीसफुल चल रही थी, जिसमें कोई किसी किस्म का ना कोई सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक हो रहा था, बल्कि कश्मीर के लोग उन अमरनाथ यात्रियों की मदद कर रहे थे, और एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े धार्मिक उत्साह के साथ एक यात्रा चल रही थी। अचानक एक शाही फरमान की तरीके से शाही फरमान शाह का आता है कि यात्रा रोक दो, यात्रियों को वापस करो, जितने टूरिस्ट है सबको वापस करो, और 5 तारीख की सुबह को 11 बजे तक इस देश में किसी एक शख्स को भी ये मालूम नहीं था कि कश्मीर का क्या होने वाला है। आप जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, उस बिल के आने से पहले उस बिल की कापियां मेंबरारे पार्लियामेंट को तकसीम की जाती है, वो उसको पढ़ते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं। लेकिन कश्मीर के मामले में जब वो पार्लियामेंट में पहुंच गए, 11 बजे सेशन शुरू हो गया, उसके बाद बिल की कॉपियां दी गई, उसके बाद वहां बिल पेश किया गया, यह डेमोक्रेसी है। इस तरीके से और अपोजिशन जो राज्यसभा में इस बिल को रोक सकती थी, उस अपोजिशन ने भी उसको समर्थन इनडायरेक्टली किया, बोले नहीं, चालाकी के साथ। क्यों? कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अगर बीजेपी कसूरवार है कश्मीरियों पर जुल्म करने की जिम्मेदार अगर बीजेपी है, तो मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कांग्रेस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, इसलिए कि उसने राज्यसभा में इस बिल को पास करने में इन फांसीवादियों की मदद, बीएसपी बच नहीं सकती, समाजवादी पार्टी बच नहीं सकती, बहुत सारे दल है। ये क्यों है, क्यों मजबूर है फांसीवाद की मदद करने पर, क्यों मजबूर है? इसलिए कि 60 साल सत्ता का सुख सबने किसी न किसी तरह से भोगा है, चाहे किसी ने अपने स्टेट में भोगा, चाहे किसी ने सेंटर में भोगा, और जिन जिन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है वो सारे के सारे करप्ट है, सबने आपका पैसा लूटा है, सबने आपका दमन किसी न किसी तौर पे किया है, और सबके खिलाफ सीबीआई और सीआईए और सारी जो आईबी की फाइलें मौजूद है उन सबसे
अखिलेश भी डरते हैं, मायावती भी डरती है, शरद यादव भी, आप देख लीजिए शरद पवार महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, अभी ममता बनर्जी वहां से निकलेंगी, ये तो ये सारे के सारे करप्ट लोग आज बीजेपी के सामने घुटनों पे पड़े हैं, उनके उनके पैरों में जाके पड़ गए, इसलिए ये जुल्म बढ़ता जाएगा। मैं सिर्फ ये कहकर अपनी बात ये चुके खड़े हैं, और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को अभी बोलना है, तो मैं बहुत ज्यादा तफसील में एक एक इशू की तफसील बयान की जा सकती है, कश्मीर की भी बयान की जा सकती है, एनआरसी की भी बात बयान की जा सकती है, सबकी भी बात कर मैं कर सकता हूं, लेकिन आज इस मौके पे मैं वो बात न करके आपसे सिर्फ एक आह्वान करता हूं, हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं राजनीतिक, हमारे दृष्टिकोण के इख्तलाफ हो सकते हैं, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक बात पे हम सब एक है, हम सबकी एक धारणा है कि देश हमारा है और इस देश को बाकी रहना है, इस देश के सौहार्द को बाकी रहना है, इस देश की मुश्तरका तहजीब को बाकी रहना है, और इस देश के गरीबों को ऊपर उठाना है, ये कॉमन फैक्टर है, और यही पेट्रियोटिज्म है और यही नेशनलिज्म है। इसलिए वो लोग जो जुल्म करना चाहते हैं और जो इसके डेमोक्रेटिक और सेकुलर फैब्रिक को खत्म करना चाहते हैं, हम सबकी मुश्तरका दुश्मन वो है, मुश्तरका लड़ाई वो है, तो अपने डिफरेंसेस को भुलाइए और उनको खत्म कीजिए, आप अपने नजरियात इस तरह अपने साथ रखिए, लेकिन एक मरकज पर जब आए तो उस फासीवाद के खिलाफ आए जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाहता है और इस देश की सभ्यता का सत्यानाश करना चाहता है, उनका सत्यानाश करने के लिए आज हम सबको इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।